चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, चेहरे की रंगत ना जाने कहाँ खो गई है, वो 20 वाला चार्म, वो 20 वाला ग्लो तो ना जाने कहाँ गायब हो गया है। चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल, बेजान सा, मुरझाया हुआ सा दिखाई देने लग गया है, और इसके साथ साथ चेहरे के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे होने लग गए हैं, स्किन अनइवन हो गई है, स्किन टोन डार्क शेड में जाने लग गई है। तो आप 2 रुपए की कॉफ़ी से अपनी ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और अपने 2,000 रुपये तक बचा सकते हो। वो कैसे, ये सभी जानना चाहेंगे, तो चलिए मेरे साथ वीडियो में। नमस्ते जी, आप सभी का आपके अपने चैनल ब्यूटी विद नेचर बाय सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग खुश होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फेस पैक को तैयार कर लेते हैं। फेस पैक, पहले हम फेस पैक बनाएंगे, मैं उसके बाद आपको बताऊंगी कि फेस पैक लगाने से पहले आपने अपने फेस को किससे साफ़ करना है ताकि आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलें। ठीक है जी, सबसे पहले हमें चाहिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। ये तो जग जाहिर है कि कॉफ़ी हमारे चेहरे के ऊपर इंस्टेंट ग्लो लेकर आती है, क्योंकि ये हमारे चेहरे के ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, जिससे हमारी स्किन एकदम से चमकने लगती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हनी यानी कि शहद। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, इसलिए हमारी स्किन को ये बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करेगा, हमारे चेहरे के अंदर नमी को लॉक कर देगा, जिससे हमारी स्किन प्लम्पी दिखाई देगी। और हनी हमारे चेहरे के ऊपर एक्ने, मुहासों को भी आने से रोकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है जी, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल का। विटामिन ई हमारे चेहरे को ड्राई होने से बचाएगा, हमारे स्किन के ऊपर के एक गार्ड की तरह काम करता है, ये चेहरे के दाग धब्बों को बहुत अच्छे तरीके से लाइट करता है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ बूंदें नींबू के रस की। फ्रेंड्स, अगर आपको नींबू सूट करता है तभी आपने नींबू का रस इसमें ऐड करना है, अगर आपको टमाटर का रस सूट करता है तो आप टमाटर का रस भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, 1 चम्मच के करीब आप इसमें टमाटर का रस ऐड कर लीजिए। नींबू में ब्लीच प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसी अपने इसी गुण की वजह से ये हमारी स्किन टोन को लाइट करता है, जिससे हमारी स्किन साफ दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि हमारा शेड लाइट होने लग गया है। ठीक है जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कच्चा दूध, बिल्कुल आधा चम्मच के करीब इसमें कच्चा दूध ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा दूध ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये बहुत आसानी से फेस पैक बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इसको आपको मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें हमने हनी का इस्तेमाल किया है, हनी में कॉफ़ी मिक्स होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जब ये अपना रिज़ल्ट दिखाएगा, इतना गजब का रिजल्ट आएगा आपके चेहरे के ऊपर, आप कभी भी किसी शादी पार्टी में जाने से पहले इसको ट्राई करके देखना। आपको अपने फेस के ऊपर मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी खूबसूरत हो जाएगी आपकी स्किन। फ्रेंड्स, फेस पैक तो बिल्कुल रेडी है। फेस पैक लगाने से पहले अपने फेस को साफ़ कर लेते हैं। अपने फेस को साफ़ करने के लिए मैं ले रही हूँ आधा चम्मच के करीब कच्चा दूध। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा ही चम्मच हनी यानी कि शहद, और इसमें ऐड करेंगे कुछ बूंदे नींबू के रस की। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इससे हम अपने फेस को साफ़ करेंगे। इससे आप फ्रेंड्स अपने फेस को साफ़ करके देखिए, इससे जब आप अपने फेस को साफ़ करोगे उसके बाद जो आपको अपनी स्किन के ऊपर रिजल्ट दिखाई देंगे, मेरा दावा है कि आप मार्केट से लेने वाले फेस वॉश भूल जाओगे, आप हमेशा इसी का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है। ये हमारे चेहरे के ऊपर अगर मेकअप लगा है तो उसको भी बहुत आसानी से निकाल देता है और हमारी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, यानी कि हमारे चेहरे से बिल्कुल भी नमी को नहीं चुराता, हमारी स्किन के अंदर नमी ऐसे ही बनी रहती है इसके इस्तेमाल से। फ्रेंड्स, अगर आप बाहर कहीं से आए हो या आपके फेस के ऊपर मेकअप लगा है तो आप इससे अपने फेस को साफ़ करने के बाद फिर पानी से भी अपने फेस को ज़रूर साफ़ कीजिए, ताकि जो डस्ट मेकअप लगा है वो रिमूव हो जाए और आप जब अपना फेस पैक लगाओ तो आपको उसके रिज़ल्ट अच्छे मिलें। लेकिन मेरे फेस पे इस समय कुछ भी नहीं लगा था, सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाई थी या जो मैं अपनी क्रीम बनाती हूँ उसका इस्तेमाल किया हुआ था अपने फेस के ऊपर, इसीलिए मैं अपने फेस को वॉश नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट ही अपना फेस पैक लगाऊंगी। फ्रेंड, ये ऐसा ग्लोइंग फेस पैक है जो हमारे चेहरे के ऊपर गजब का ग्लो लेकर आने वाला है।
आप यूज़ करके देखोगे तभी जान पाओगे। फ्रेंड्स एक बात बोलूँ मैं आपको, आप कोई भी फेस पैक लगाते हो सबसे पहले तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसमें डाले गए इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को सूट करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं फिर तो वो फेस पैक आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करेगा, लेकिन अगर आपकी स्किन को वो इंग्रेडिएंट सूट नहीं करते तो आपकी स्किन के ऊपर वो रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा जो रिजल्ट एक्चुअल उस फेस पैक के आने चाहिए। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अगर हमें नहीं पता कि कौन सा इंग्रेडिएंट हमारी स्किन को सूट करता है कौन सा नहीं, तो हमारे फेस के ऊपर दाने भी निकल आते हैं, ईचिंग भी होने लग जाती है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी फेस पैक लगाते हो तो पहले पैच टेस्ट करके देखिए, उसके बाद ही फेस पैक लगाया कीजिए। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि उनको कौन सी चीज़ सूट करती है कौन सी नहीं करती, तो वो ऐसा कीजिए फेस पैक को बनाकर उसका पैच टेस्ट करके देख लीजिए। फेस पैक को बनाया या तो आप यहाँ पर लगा कर देख लीजिए, 1-2 दिन यहाँ पर लगाइए, जहाँ पे आपने इस फेस पैक को लगाया वहाँ पे अगर ईचिंग नहीं होती या दाने नहीं निकलते या रेडनेस नहीं आती तो इसका मतलब आप उस फेस पैक को आसानी से लगा सकते हो, आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। फ्रेंड्स वीडियो देखते देखते अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स मैंने एक और चैनल बनाया है ब्यूटी विद नेचर सुनीता सैनी ब्लॉग के नाम से, आप वहां जाकर उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी आप सभी के साथ। अगर आप डाइट के बारे में भी जानना चाहते हो तो वो सभी जानकारी आपको उस चैनल पे मिलेगी। ठीक है जी, देखिए फेस पैक लग चुका है, अब मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए, रिजल्ट देखिए। अब मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। फ्रेंड्स आज मैं माइक लगाना भूल गई थी, मैंने लास्ट में माइक लगाया है, अगर आवाज़ सही नहीं आए तो उसके लिए सॉरी। रिजल्ट देख सकते हो फ्रेंड्स, स्किन बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही मुलायम लग रही है। अब टाइम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने का। मैं अपनी स्किन को बना मॉइस्चराइज करने के लिए अपनी राइस क्रीम ले रही हूँ। आप भी फेस को वॉश करने के बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर किया कीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद स्किन पे शाइन देखना कितनी खूबसूरत आती है। बहुत ही प्यारी क्रीम है, तो आप भी इस प्यारे से खूबसूरत से फेस पैक को बनाएं और अपनी स्किन के ऊपर लगाकर अपनी स्किन को चमकाएं। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।